नमस्कार किसान भाइयों, सीजी किसान टीवी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना किसान दोस्त हुकेश प्रधान और आज हम बात करेंगे BASF कंपनी के इंटरपीट इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसका छिड़काव आप कौन कौन से फसलों पर कर सकते हैं, यह कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, इसकी डोज क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसका रिजल्ट फसलों पर कितने दिनों तक बना रहता है, पूरा जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को आज के इस वीडियो में। इसलिए 100% सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हम खेती किसानी से संबंधित नए नए वीडियो लाते रहते हैं। किसान भाइयों, BASF कंपनी का इंटरपीट इंसेक्टिसाइड यह जो आता है, यह एक इंसेक्टिसाइड के साथ साथ एक बेस्ट एक्रीसाइड यानी मकड़ी नाशक भी है। बात करें इसकी टेक्निकल फार्मूला की तो इसमें क्लोरोफेनपायर 10% SC फार्म में यानी गाढ़े लिक्विड फार्म में आता है, जिसका उपयोग गोभी, मिर्च, शिमला मिर्च, कपास, सोयाबीन, मूंगफली जैसे फसलों पर मकड़ी और DBM इल्ली को 100% गारंटी के साथ कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करें इसकी स्प्रे डोज की तो इसको आपको प्रति एकड़ 300 ml 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, और प्रति पंप की बात करें तो प्रति पंप 30 ml 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बात करें इसकी पैकिंग व कीमत की तो यह आपको 300 ml 500 ml और 1 लीटर के पैकिंग में मिल जाता है। बात करें वही इसकी कीमत की तो यह आपको 300 ml 850 रुपये, 500 ml 1150 रुपये और 1 लीटर का जो पैकिंग है यह 2200 रुपये के लगभग में मिल जाता है। इसे आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के जरिए घर बैठे मंगा सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें इसकी रिजल्ट टाइम की तो इसको स्प्रे करने के बाद 12 से 15 दिन तक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जानकारी अच्छी नहीं लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।